हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के, आप कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि उसके रिगार्डिंग या फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में जो कि आपके 2022 में होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। वो स्टूडेंट जो कि सिक्स सेमेस्टर में अभी आए हैं उनको ये वीडियो पूरी देखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए। अब बात करें हम जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण को समझना, वैश्वीकरण क्या है उस, ठीक है, उसको पूरी तरह समझना। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो वैश्वीकरण के रिगार्डिंग आएंगे, ठीक है। तो अभी आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो पब्लिश नहीं किया गया है SOL वालों की तरफ से, बट ये क्वेश्चन पेपर इसी सब्जेक्ट पे बेस्ड है जो कि आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि वैश्वीकरण का अर्थ एक रूपीकरण नहीं है, ठीक है। एक रूपीकरण का क्या मतलब होता है कि एक प्रकार से पूरे विश्व को एक कर देना, ठीक है, और वैश्वीकरण का अर्थ एक रूपीकरण नहीं है। वैश्वीकरण के तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों के संदर्भ में कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो पहले आपको ये कथन दिया गया है, ठीक है, आप कह सकते हैं कोड दिया गया है। इसके अंतर्गत आपको क्या बताना है, तकनीकी और सांस्कृतिक के आयामों का क्या करना है, संदर्भ करना है, समालोचनात्मक आपको वर्णन करना है। मतलब आपको सिंपली वैश्वीकरण के बारे में बताना है किन किन क्षेत्रों में, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर टू, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को छीण कर दिया है? अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। हाँ, तो सिंपल सी बात है, हाँ, छीण कर दिया। जब से वैश्वीकरण विश्व में आया है, जिस देश ने वैश्वीकरण की, कह सकते हैं, तकनीक को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, उस देश में राज्य के पास कम शक्तियां रह गई हैं और वहीं वैश्वीकरण के अंतर्गत काफ़ी सारी शक्तियाँ वैश्वीकरण ने गेन कर ली है एक प्रकार से, ठीक है। जैसे कि मार्केट पे गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, उसमें जो व्यक्ति के पास पूंजी है उसी का उस पर अधिकार है। तो इसमें मार्केट का कोई अधिकार नहीं है, वो सरकार का कोई अधिकार नहीं है, मतलब राज्य से शक्तियाँ छीनी है। वहीं आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता सकते हैं कि राज्य को एक प्रकार से, राज्य हर क्षेत्र में नज़र रख सकता है बट उसमें एक वो नहीं कर सकता, उंगलबाजी नहीं कर सकता, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके पॉइंट्स बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन आता है, वैश्वीकरण अधिशासन के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसके प्रमुख अंगों की उपयुक्तता का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या बता रहे हैं, वैश्विक अधिशासन के साधन के रूप में राष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन की भूमिका के बारे में आपको क्या बताना है। संयुक्त वैश्वीकरण के क्षेत्र में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में वर्णन करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वो पालन करता है नहीं करता, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दी गई, आप कह सकते हैं, जो नियम और शर्तें हैं उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ता है जबकि विकसित देश आमतौर पर कम असुरक्षित और अधिक लचीले होते हैं, उपयुक्त उदाहरण द्वारा कथन का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो विकासशील देशों को क्या करना है, तो जलवायु परिवर्तन का संकट का सामना करना पड़ता है। क्यों? इसका एक इम्पोर्टेंट कारण ये है कि जो भी देश अभी विकास कर रहे हैं वो अपने ईंधन को जलाएंगे, ठीक है, ईंधन को जलाएंगे, अपने जितने भी संसाधन हैं उनका यूज़ करेंगे पूरी तेज़ी से, तो क्या होगा, वहाँ पे जलवायु में परिवर्तन आना लाजमी चीज़ है। बट जो विकसित देश है ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्होंने अपने समय में जब वो विकासशील थे तब उन्होंने इन सब चीज़ों का यूज़ किया था बहुत तेज़ी से, बट जब वो विकसित हो गए तो उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया और क्या करा, जलवायु परिवर्तन पर थोड़ी कमी लाए, जलवायु परिवर्तन को धीमा करा, ठीक है, पॉल्यूशन को कम करा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि विकासशील और विकसित देशों में जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो देखने को मिलती है, क्योंकि विकासशील जो देश हैं वो कर रहे हैं अभी प्रदूषण, बट विकसित देश कर चुके हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए चाइना, जब चाइना विकास कर रहा था अपना, उस समय उसने बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, ईंधन को यूज़ करा अनंत, ठीक है, उन्होंने बहुत ईंधन यूज़ करा अपना। फिर आता क्वेश्चन नंबर फाइव, कृषि समझौते AO के पर विशेष ध्यान देते हुए विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख समझौतों को व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो कृषि समझौते पर ध्यान देते हुए क्या बताना है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक समझौता तैयार किया गया था, उस समझौते पे आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है आपका, जिसमें बताया गया है कि क्या आप सहमत हैं कि वैश्विक राजनीति में गरीबी, भूखी और विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन
विविधता अवधारणाएं हैं विकास के विभिन्न उपागमों के संदर्भ में अपने उत्तर का व्याख्या कीजिए। तो सिंपल आपको क्या बताना है, विकास के विभिन्न उपागम कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है, उसके अप्रोचेस कहाँ कहाँ तक है, इन सब के ऊपर आपको सीधे से संदर्भ बताना है। विकास के ऊपर, विकास के विभिन्न आयामों के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ये जो ऊपर की लाइन होती है वो आपको काफ़ी हद तक एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको टिपिकली क्वेश्चन देने के लिए दी जाती है, बट जो नीचे की लाइन होती है जहाँ पे चीज़ें पूछी गई होती है आपको सिर्फ वही बताना होता है, ठीक है। अवधारणाएं हैं भूगोल, लेकिन महत्वपूर्ण विविधित अवधारणाएं हैं, तो आपको क्या बताना है, विकास के उपागम के बारे में यहाँ बताना है। तो ये आपके कुछ टोटल 6 क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपके काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे और साथ में ब्लॉगिंग वेबसाइट पर भी अपलोड कर देंगे, लिंक्स दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें, जो भी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको एक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसे ही सिलेबस आपका आता है मैं आपकी स्टडी चालू करवा दूंगा, जल्द से जल्द चैप्टर्स कंप्लीट करके वीडियोस अपलोड होंगी और आपको नोट्स ब्लॉगिंग वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।